नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित नागले, आपकी अपनी जीनियस कोचिंग क्लासेस से। जैसा कि आप सभी लोग पहली बार जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज का पार्ट वन कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि परसेंटेज से आप फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करोगे, साथ ही फ्रैक्शन से आप परसेंटेज कैसा कन्वर्ट करोगे। आज हम देखेंगे परसेंटेज का पार्ट टू, जिसमें हम आपको आगे की चीजें सिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं भाई, हमने क्या सीखे थे। सर आपने दिखाया था कि आपके पास में जो प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत जो सिंबल होता है वो होता है 1/100। कहने का मतलब ये होता है कि आपको यदि कहीं पर भी प्रतिशत नाम चिन्ह दिख जाता है, प्रतिशत चिन्ह यदि दिख जाता है तो वहां पर आप बटे में 100 लगा दीजिए, केवल 100 लगा दीजिए। कैसे लगाया था सर, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पुरानी क्लासेस का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिएगा, मैंने भी आपको बोल दिया कि आपको निकालना है सर 30% यदि आपके पास दिया हुआ है तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि सर आपने दो लाइनें लिखी थी, कुछ क्या लिखवाया था भाई कि जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो आप क्या करोगे। सर हम क्या करेंगे कि किसी प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है तो हम 1/100 का गुणा करेंगे या फिर सर हम 100 का भाग देंगे। सर यहाँ पर प्रतिशत दिखा है मुझे, मुझे भिन्न में बदलना है तो मैं क्या करूंगा सर, 100 का भाग दे दूंगा। जब हमने भाग दे दिया तो कट गया, तो हमारे पास जो इसकी फ्रैक्शन निकल कर आई सर, ये निकल कर आई आपके पास में 3/10। जैसे सर यदि इसी 3/10 फ्रैक्शन को मुझे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हो आप। सर जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम करते हैं सर 100 का गुना। तो हमने कर दिया इस 100 का गुना, जो 322 साहब ऊपर बैठ गया, इस जीरो से मैंने इसको काट दिया, निकल कर आ गया आपके पास में 30% जो आपको चाहिए था। ऐसा ना, इसके बाद कुछ हमारे पास में फ्रैक्शन थी जो कि टफ थी थोड़ी सी। जैसे हम बात करें आपसे 23.1% क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास में 3/13 होता है ना, ये डायरेक्ट लिखवाई थी हमने। आपके पास में थी 4.16% थी, जो कि क्या होती है अपने आप में सर 1/24 होती है। क्या होता है किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने से आगे आने वाले एग्जाम हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाते हैं। ओके चलिए आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाया जाता है परसेंटेज में, कॉन्सेप्ट ये बोलता है सर, यदि आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो तो कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं, आप कॉपी में नोट करिएगा। कॉन्सेप्ट ये होता है यदि आपके पास में एग्जाम में 1% of B आता है, ओके क्या आता है 1% of B, तो हम इसको लिख सकते हैं सर 2% of A। कहने का मतलब कि 1% of B बराबर होगा किसके, 2% of A के। कहने का मतलब जब दो संख्याओं के बीच में यदि प्रतिशत आपके पास में जो प्रतिशत चिन्ह आता है तो वहां सर हम नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। यदि आपके पास में कोई संख्या सर टप आती है, क्या दिया टप आती है, तो आप क्या करोगे सर, पहली संख्या से परसेंटेज को उठाकर आप दूसरी संख्या के पास बैठा सकते हो। ऐसा नहीं, आपके पास यदि संख्या टप आती है तो आप प्रतिशत को उठाकर दूसरी संख्या के पास बैठा सकते हो। कैसे, एक एग्जांपल देखिए भाई, एग्जांपल आपके पास ये है, एग्जांपल देखोगे क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हमने आपके पास दे दिया सर 55% of 34, ओके हमने आपके पास दे दिया 55% of 34, आप इसको कैसे निकालोगे। सर देखिए क्या होता है कि आपने बताया था कि जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो आप सबसे भाग दे दोगे, दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। यदि मैं क्या करता हूं, इस प्रतिशत भाई साहब को यदि चेंज कर दूं, कैसे चेंज कर दूं भाई, देखिए भाई आप थोड़ा सा, यदि इसको मैं लिख देता हूं 50% + 5%, क्या लिखा हमने सर 50% + 5% मैंने लिख दिया तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 55%। ऑफ की बात कर रहा है, कितना है भाई ये 34, ओके 34 आपके पास दिया हुआ है तो आप क्या करोगे इसको सर 34 का 50% निकाल लोगे, कितना हो जाएगा भाई 34 का यदि मैं 50% निकालता हूं तो हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा भाई 17। सर कैसे, आपको निकालना है 34 का 50%। 50% क्या होता है आप सीख चुके हो पिछली क्लास में कि सर जो 50% होता है वो अपने आप में होता है 1/2। इस 2 से मैंने इस 34 को काट दिया, कितनी बार हुई 17 आ गया। सर इस 34 का आपको 5% भी तो निकालना है, तो 5% क्या होता है, यदि सर इसी 34 का मैं 5% निकालता हूं तो 5% अपने आप में होता है सर 1/20।
एक बटे बीस, यदि आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई? सर 20 से दूंगा तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 14, लगा दूंगा 0, ये आ जाएगा आपके पास में पॉइंट। और ये कितना हो जाएगा भाई, यदि 20 से भाग दोगे तो कितने बार चला जाएगा आपके पास में? 7 बार। ओके, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा सर प्लस 1.7, यदि मैं एड करता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास में 18.7। ये सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भाई। एक थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ये है, हमने आपको दे दिया 4 to 0% ऑफ 14.28, ये हमने दे दिया और आपसे ये कहा भाई कि आप आंसर बताइए। अब क्या होता है सर, जो आपके पास में प्रतिशत है, प्रतिशत आपके पास में बड़ी संख्या के पास है, कहने का मतलब कि सर प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है तो मुझे 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। 100 का मैं डिवाइड करूंगा तो सर जो प्रोसेस होगी वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ओके, लंबी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे सर, आपने हमें पिछली क्लास में ये बताया था कि क्या होता है 14.28 होता क्या है। सर आपने किसी प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना सिखाया था और आपने किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाया था, जो कि आज क्लास में काम आ रहा है। कैसे सर? आपने सिखाया था कि 14.28, जैसे कि सर इस कॉन्सेप्ट के अधीन यदि हम जाते हैं तो क्या निकल कर आता है भाई? सर यदि इसके अधीन मैं जाता हूँ, ए परसेंट ऑफ बी बराबरी से बी परसेंट ऑफ ए बराबर किसके होता है? बी परसेंट ऑफ ए के। कहने का मतलब यदि ए के साथ आपका परसेंट है जो कि सर हमें टफ लगता है, तो आप किसके साथ ले जाओगे? बी के साथ। कहने का मतलब ये होता है सर कि आपने इसको चेंज कर दिया 420 ऑफ ये दे दिया सर 14.28%। कहने का मतलब इसके साथ चेंज कर दिया, जो इक्वेशन आपके पास ऊपर दी गई है उसी को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, उसी को मैं प्रूव कर रहा हूँ। ओके सर, कैसे? आप हमने देखा था सर कि जो 14.28 होता है इसके प्रेक्षण फॉर्म होती है आपके पास में 1/7, ऐसा नो कितनी होती है 1/7। तो इस 7 से सर मैं इसको काट दूंगा, हो जाएगा 7×6=42, जो कि आपका आंसर आ जाएगा सर 60, केवल और केवल 4 से लेकर 5 सेकंड के भीतर। ऐसा ना कॉन्सेप्ट ये काम आता है कि सर ए परसेंट ऑफ बी बराबरी से बी परसेंट ऑफ ए। कहने का मतलब ये होता है कि किसी दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में यदि प्रतिशत आता तो आप उसको नीचे में क्या लिख सकते हो सर? 100 लिख सकते हो। ऐसा नो बिल्कुल सर, यदि किसी स्टूडेंट को क्लास समझ नहीं आती है, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट के बिहेव पर हम आगे लेकर चलते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। ये क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट के बिहेव पर इसके हम आंसर लेकर आएंगे। देखिए भाई, आपको दिया हुआ है 340% ऑफ 25। यदि आप क्या करते हो सर, 340 के नीचे यदि आप 100 भी लिखते हो और फिर गुने में आप 25 लिखते हो तो भी आपका आंसर आएगा। यदि आप उस परसेंट वाइज आपको यदि 25 के साथ ला लेते हो तो भी आपका आंसर वही आएगा। कैसे आएगा भाई? देखो, यदि पहले बेसिक देखते हैं हम लोग कि सर बेसिक फंडा होता क्या, फिर डायरेक्ट देखेंगे इसको। सर 340 है, 340 को आप क्या लिखोगे? 340% को हम लिखेंगे सर इस तरीके से, ऑफ को लिखेंगे आप लोग गुना। ओके, ये लिख दिया आपने 25। ओके, इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया। ओके, 5 से काटूंगा इसको, 5×2 = 10, ये हो जाएगा सर 5 से काटूंगा मैं 5 बार। ओके, इससे काटूंगा मैं इसको कितने बार काट दूंगा? इसको काटेंगे सर आप 17 बार। 17 का गुना मैं इसके साथ कर दूंगा, कितना हो जाएगा भाई, है ना? आप इसका गुना कर दोगे, किसी को यदि 17 का पहाड़ आता है या फिर 5 का पहाड़ आता है तो ठीक है, नहीं तो शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास ये होती है कि सर किसी भी संख्या के साथ यदि आपको 5 का गुना करना है तो आप 0 लगाइए और आप क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए। तो क्या होता है, ये हो जाएगा सर 2×8=16, ये हो जाएगा सर और 2×5=10। कहने का मतलब आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, 85 निकल कर आ जाएगा। शॉर्टकट क्या करते सर, यदि आप देखते हमको, हमारे हिसाब से देखते, कहने का मतलब ये होता है कि जो आपको परसेंटेज जो सिखाई गई थी, जो फ्रैक्शन फॉर्म आप कन्वर्ट करना सीख गए थे, उससे डायरेक्ट आंसर आ रहा था आपका 4 से लेकर 5 सेकंड के भीतर। सर कैसे? आपको दिया हुआ है ए परसेंट ऑफ बी दिया हुआ है ना, तो आप इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते थे? बी परसेंट ऑफ ए। कहने का मतलब कि जो परसेंट आपके पास यहाँ पर है सर, आप यहाँ लिख सकते थे। यदि आप यहाँ लिख देते परसेंट, उसको इसको हटाकर आप क्या करते सर, हम यहाँ परसेंट लिख देते तो 25% क्या हो जाता अपने आप में? तो 25% हो जाता सर 1/4। सर 1/4 आ गया, 4 से यदि मैं इसको काट देता कितना हो जाता, 4×8=32।
बचेगा कितना आपके पास में, दो, ये हो जाएगा चार पंचे 20। कहने का मतलब सर इस मेथड से जो हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट किया, इस मेथड से केवल और केवल 2 सेकंड के भीतर आपका आंसर आ गया। आंसर तो सर इससे भी 85 ही आया और इससे भी 85 ही आया, फर्क पड़ा सर हमारे पास में टाइम का, ऐसा क्यों। चलिए आगे का सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या करते हैं, करिए आप थोड़ा सा करिए भाई। चलिए आप देखो भाई, सर 75 मल्टीप्लाई 640%, क्या 640% क्या सर टफ नहीं है? बिल्कुल टफ है। तो सर इस प्रतिशत भाई साहब को 75 के साथ भेज दीजिए, 75 के पास यदि आप उसको भेजते हो तो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपके पास में 75%, और प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा सर 75%। जब आप यहाँ लिखते थे वो इसको हटाकर, तो ये लेकर आ जाएगा हमारे पास में 25 × 75, 25 × 100। कहने का मतलब जो 75% होती है उसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो होती है सर हमारे पास 3/4। अब इस 4 से मैं इसको काटता हूं तो ये हो जाएगा सर 4 × 4 बचेगा 2, 4 × 6 = 24, ये हो जाएगा 160। 160 का गुना करोगे आप इस 3 के साथ, जो निकल कर कितना आ जाएगा अपना 16 × 32 = 48, मतलब कि ये निकल कर आएगा सर 480। ये जो आपका यहाँ वाला पार्ट था वो निकल कर आया केवल 480। यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख देंगे आप। ओके सर ये 325% है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 300% प्लस 25%, बिल्कुल लिख सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो, और यदि ये भी आपकी इच्छा नहीं है तो सर इस प्रतिशत भाई साहब को मैं यहां ला लेता हूं तो इसके नीचे बैठ जाएगा, यहां से हट जाएगा। जब यहां से हट गया तो सर ये 0 इसके साथ चला जाएगा, मैं काटूंगा इसको सर, ये हो जाएगा आपके पास में 2 से काट देता हूं तो ये हो जाएगा 2 से जाएगा 5 बार, ये जाएगा आपका 6 बार। 5 से काटूंगा इसको मैं तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 × 6 = 30, और इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा सर 25। ऐसा नहीं, 5 से मैंने डायरेक्ट काट दिया तो आपके पास में ये वाला आंसर निकल कर आ गया। आप इसका क्या करोगे सर, 6 से गुना करोगे, बिल्कुल करेंगे सर। कितना हो जाएगा सर, 6 × 5 हो जाएगा आपके पास में 30, ये हो जाएगा 3 बाहर, ये हो जाएगा सर 36, मतलब 6 से 6 का गुना यदि आप 6 के साथ करोगे तो होता है 36, और 36 में आप 3 8 करोगे तो सर ये कितना हो जाएगा 390, कहने का मतलब 39 हो जाएगा। आगे तक यहाँ पर 8 करने की बात की है, मैंने यहाँ पर 8 कर दिया क्योंकि क्या निकल कर आ जाएगा 0, 8 × 2 = 16 = 17। ओके और ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 870 के आसपास आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, करिए भाई आपके पास 2 मिनट का समय है, थोड़ा सा करिएगा। चलिए आगे इस सवाल को देखते हैं हम। सर यहां पर दिया है आपके पास में 25 × 560%। अब सर ये 560 थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है मुझे, तो आप क्या करोगे, क्यों ना सर इस प्रतिशत को उठाकर मैं 25 के साथ दे दूं, है ना, इस प्रतिशत को उठाकर सर मैं 25 के साथ दे देता हूं तो ये हो जाएगा सर 25% यदि आपका इधर चला जाता है तो ये प्रतिशत यहां से उठ जाएगा, और 25% अपने आप में होता है सर 1/4, ये आप निकाल चुके हो, आप निकालना सीख चुके हो। सर 4 से मैं यदि भाग देता हूँ इसको तो ये हो जाएगा 4 × 4, यहाँ बचेगा सर 1, 4 × 16। कहने का मतलब ये जो आपका पार्ट था सर केवल निकल कर आया 140। ओके आगे देखो भाई, सर ये 380% है, अच्छा नहीं दिख रहा मुझे, मैं क्या करूंगा इस प्रतिशत भाई साहब को यहाँ ला लूंगा, और प्रतिशत भाई साहब को मैं यदि यहाँ ला लेता हूँ तो ये इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी आपके पास निकल कर आएगी सर 3/5। ओके आप 3 से इसको सर डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा सर 35, ये हो जाएगा सर 3, ये हो जाएगा 5 × 6 = 30। ओके आप 3 का सर इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 6 × 18 1 बाहर, 7 × 21 और ये हो जाएगा सर 22। ओके ये 228 सर मैं इसमें ऐड कर दूंगा जो कि आप कर चुके हो, ये हो जाएगा सर 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा सर 368 और 368 हमारे क्या हो जाएगा सर ऐसा ना। कहने का मतलब ये है सर, जिस कॉन्सेप्ट के अधीन हम इस सवालों को कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ए परसेंट ऑफ बी बराबर से बी परसेंट ऑफ ए। कहने का मतलब कि परसेंट आपके साथ में यदि किसी टफ संख्या के साथ दिखाई देता है तो आप उसको सर इजी संख्या के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब कि आप परसेंट का स्थान चेंज कर सकते हो, ऐसा नो। चलिए आगे देखते हैं भाई, चलिए देखते हैं भाई इस सवाल को आगे देखते क्या बोल रहे हैं। सवाल आपको बोल रहा है कि सर 60 प्रतिशत 60
ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसको अपन हिंदी में का बोलते हैं, है ना, का 115%। तो सर ये 115% दिया हुआ है, थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, कहने का मतलब सर टफ लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, प्रतिशत को उठाकर ला लूंगा सर 60 के साथ। यदि 60 के साथ मैं लेकर आ रहा हूं तो सर 60% की फ्रैक्शन हो जाएगी अपने आप में 3/5। 3/5 निकालूंगा सर किसका, 115 का, इससे काटूंगा इसको, हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10 और ये हो जाएगा सर 5 × 3 = 15 और इस 23 का गुणा मैं कर दूंगा किसके साथ, 3 के साथ, जो कि हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। कहने का मतलब आपका इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 69। ओके चलिए इसको देखो भाई, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन समय नहीं लगता है उन स्टूडेंट को जिसने कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। ओके चलिए इसको उड़ाइए। चलिए आगे देखो भाई, इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि सर ये सवाल क्या बोल रहा है। देखिए आपके पास क्या है सर, 40% ऑफ 475। कहने का मतलब सर अब जो प्रतिशत जिसके साथ लगा हुआ है वो सर इजी है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सर फ्रैक्शन में, जो कि हो जाएगा आपके पास में 2/5 के रूप में, बिल्कुल हो जाएगा। आप इस 5 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5/45, बचेगा आपके पास में 2, 5 से काटूंगा सर 25 को, ये हो जाएगा आपके पास में 95। इस 2 का गुणा मैं कर दूंगा सर 95 के साथ, जो कि आपके पास आ जाएगा 190। कहने का मतलब 190। ओके सर यहाँ बीच में प्लस बैठा हुआ है, प्लस लगा दूंगा। अब यहाँ क्या करूंगा सर, आपके पास लिखा हुआ है 190%, कहने का मतलब सर 190%। तो इस प्रतिशत को मैंने क्या किया, इस 6000 के साथ दे दिया, जब इसके साथ दिया तो सर 100 बैठ गया इसके नीचे, मतलब कि ये 2 जीरो चले गए सर, आया क्या हमारे पास में सर 190 × ये हो गया सर आपके पास 60, नीचे बैठा हुआ है आपके पास में 28.50। ऐसा ना, जरूरी नहीं है कि आप 190 का गुना 60 के साथ करोगे तभी आप 28.50 से भाग दे सकते हो, नहीं, आप क्या करिए उसको रहने दीजिए, जैसा का वैसा रहने दीजिए, काटिएगा। यदि चीजें मल्टीपल में होती है तो आप उसको एज इट इज रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है सर। इस 0 से ये चला गया, बिल्कुल गया सर। आप 5 से काटोगे, किसको काटोगे भाई, काटिएगा 5 से, ये हो जाएगा 5 से काटोगे तो 25, मतलब 5 बार चला गया, बचेगा 3, ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 हो जाएगा। ओके ऊपर वाले को यदि आप काटते हो तो किससे जाएगा सर, ये जाएगा 5 × 3 = 15। ओके 5 × 3 = 15 के बाद बचेगा सर 4, ये हो जाएगा 5 × 8 = 40। ऊपर आके आपके पास में 38, नीचे 57 है सर आपके पास। ओके चलिए ये आएगा सर आपके पास में 19 × 38, ये आ जाएगा 19 × 3 = 57। ओके और इससे काटोगे तो ये आ जाएगा ऊपर आपके पास में 2, इस 2 और इस 2 का आपस में गुना करोगे तो ये हो जाएगा सर 4, और ये 4 आंसर आप इस 190 में ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा आपके पास में 194, 194 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके चलिए इस सवाल को देखते हैं थोड़ा सा जल्दी भाई। सवाल ये बोल रहा है कि सर 160/180, सर बटे में मतलब चीजें कट जाएगी, जब कट जाएगी तो काट दीजिए, 0 से 0 गया सर, 6 से ये 18 जाएगा 3 बार, सर आ जाएगा आपके पास में 1/3 मल्टीप्लाई है सर, बिल्कुल। आपके पास में जो संख्या सर 729 दी गई है वो किसमें है भाई, अंडर रूट के अंतर्गत, किसके वाले सर, ये है क्यूब के, कहने का मतलब सर एक घन है एक तरीके से सर, जब घन है तो किसका ये, आप इसका यदि घनमूल निकालते हो तो बाहर निकल के क्या आएगा भाई आपके पास 9, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि 729 किसका होता है स्क्वायर रूट, सर ये होता है आपके पास में 9 का। ओके सर ये रहा आपके पास में प्लस, 250 दिया हुआ है, 250 को आप क्या लिखोगे भाई सर, 250 प्रतिशत को नीचे लिख दिया मैंने 100 मल्टीप्लाई लिख दिया सर 160। ओके इससे सर मैंने इसको काट दिया, 5 से काटता हूं तो ये जाएगा सर 5 × 25 = 25 बार, ये जाएगा आपका 2 बार। ओके इससे काटूंगा तो सर ये जाएगा 80 बार, इसको यदि मैं आपस में गुना कर देता हूं तो ये हो जाएगा 40, कहने का मतलब सर 400, ये जाएगा इससे सर 3 बार, और इस 3 को सर मैं ऐड कर दूंगा इसमें, जो कि आंसर आपका निकल कर आएगा 403 के बराबर। ऐसा नो, चलिए आगे देखते हैं भाई, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। चलिए कर लिए, ऐसा सवाल आपको हम पीडीएफ के माध्यम से घर बैठे सॉल्व करने के लिए देंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ओके इसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं थोड़ा सा, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज कहने का मतलब होता है कि सर कमी और वृद्धि, परसेंटेज के टॉपिक में क्या होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज समझना बहुत जरूरी है, जिससे आगे आने वाले सभी टॉपिक आपके लिए सरल हो जाएंगे। ओके चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए सीखते हैं थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। चलिए इंक्रीज डिक्रीज होता क्या है सर, कमी और वृद्धि होती क्या है ना, इसका इस्तेमाल हम एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ओके चलिए
हेडिंग डाल लीजिए भाई अपने कॉपी में, है ना, हेडिंग डालिए इंक्रीमेंट, इसको आप बोलते हो भाई हिंदी में वृद्धि और कमी। ओके, क्या होता है एग्जाम में हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि भाई किसी व्यक्ति की आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, वृद्धि करने के बाद उसकी आय इतनी हो जाती है तो उसकी आय कहती है ओरिजिनल आय कहती है, ये पूछा जाता है कि वृद्धि करने से पहले पूछा जाता है, वृद्धि करने के बाद पूछा जाता है। ओके, आपको मंथली पूछा जाता है या फिर आपके पास में कोई कमी होती है परसेंट की, जो कमी होती है वो पूछी जाती है। जब सीखेंगे ये होता क्या है, सिर्फ वृद्धि और कमी क्या होती है, मैंने आपसे कुछ परसेंटेज लिखे आपके लिए और आपसे मैंने ये पूछा, हमने आपसे ये पूछा कि भाई 14.28 हमने 14.28 प्रतिशत की किसी व्यक्ति के आय में वृद्धि हुई। क्या हुई भाई, वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। सर अब आपने देखा कि 14.28 इसको सबसे पहले कन्वर्ट करिए आप किसमें, भिन्न में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो सर 14.28 प्रतिशत आपने बताया था कि 1/7 होता है, क्या होता है 1/7 होता है। अब आप देखोगे 1/7 जब होता है तो सर आप इस नीचे वाले को, ये जो नीचे वाला है ना इसको आप क्या मानोगे भाई, इसको आप मानोगे प्रारंभिक, क्या मानोगे प्रारंभिक, या फिर इसको आप मानोगे सर ओरिजिनल, क्या मानोगे ओरिजिनल। ओके, या फिर इसको आप मानोगे सर पहले, क्या मानोगे पहले। कहने का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मानोगे, मानना आपको सर इसको क्या है कि आपको इसको प्रारंभिक वैल्यू मानना है, आपको ओरिजिनल वैल्यू मानना है या फिर पहले की वैल्यू मानना है। हो सकता है आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन उठ के आता है तो आप इसको नीचे वाले को हमेशा क्या मानोगे सीपी मानोगे, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आप एसपी मानोगे, जो भी आपको एग्जामिनर बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मानेंगे। सबसे पहले सर नीचे वाला क्या होता है कि आपकी प्रारंभिक वैल्यू होती है, कहने का मतलब पहले की वैल्यू होती है। अब सर इस पर आपको बोला गया है कि वृद्धि होती है, क्या होती है भाई वृद्धि होती है, तो आपको क्या देखना होता है कि सर नीचे वाली वैल्यू में जो ऊपर का ऊपर की जो वैल्यू होती है, ऊपर जो भी होता है जो भी संख्या ऊपर बैठी होती है उसको आप क्या करिएगा उसके साथ छेड़छाड़ करिएगा। कैसे, यदि आपके पास वृद्धि बोला गया है तो ऊपर वाली संख्या को उसमें एड कर दीजिए, एड कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर 8/7, क्या हो जाएगा भाई, सर मेरी पहले 7 थी अब कितनी हो गई भाई 8 हो गई, एग्जामिनर यही बोल रहा है कि अब 8 हो गई। तो आपके पास में पहले और वृद्धि के बाद का अनुपात क्या हो गया सर 7:8 ऐसा नो, मैंने आपको बोल दिया, आपके सामने कोई परसेंटेज दे दिया, मैंने परसेंटेज दिया, मैंने आपके लिए दे दिया सर 6.25%, क्या होता है भाई सर 6.25%, नहीं आता हमको यार निकालना सर, याद नहीं है, निकालते तो आता है भाई, निकालना किस किस को आता है थोड़ा कमेंट करिएगा नीचे, है ना। चलिए देखो भाई सर आप क्या करिएगा, यदि आपको याद है, कैसे याद है भाई, यदि सर इसको मैं लिख देता हूं 1/16, जिन भी छात्रों को याद है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, जिन छात्रों को याद नहीं है वो देखिएगा सर ये जो 6 है बिल्कुल 6 है सर, आप 6 को छोड़ दीजिए सर 25% को क्या लिखते हो, 25% सर होता है अपने आप में 1/4, लिख दिए सर, ये लिख दिया प्रतिशत, अब तो कन्वर्ट कर सकते हो सर, इसका गुणा इधर करिए कितना हो जाएगा 6×24, ऊपर वाला ये कितना हो जाएगा आपके पास में 25 और नीचे आ जाएगा ये सर ये 4 और परसेंट वाइज आपका बैठेगा 100 तो ये निकल कर आ जाएगा आपके पास में 400। ओके, कैसे करोगे भाई सर, ये हो जाएगा 25 से यदि मैं काटता हूँ उसको तो सीधा कट जाएगा सर, 25 से यदि काटते आता है तो बिल्कुल काटिएगा, शुरुआती दौर में मिस्टेक नहीं करिएगा, 5 से काटिए ये हो जाएगा सर 5×25। ओके, ये आ जाएगा सर 5×8=40, कहने का मतलब 5/80, फिर आप काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा सर 1/16 बार, यही निकल कर आया सर। आपको 1/16 निकालने के लिए सर इतनी स्टेप चलनी पड़ी, आपको यदि सर 6.25% याद होता तो आप डायरेक्ट लिख देते सर 1/16। अब मैंने बोला कि किसी व्यक्ति की आय में आपके पास में सर 6.25% की कमी हुई है, क्या हुई है कमी हुई है, कमी हुई कहने का मतलब मैं एरो नीचे लगा देता हूं तो समझ जाइएगा कि कमी होती है। ओके सर, मेरी पहले की आय 16 थी, मान के चलिए कि मेरी पहले जो आय थी ये 16 थी,
जो भी एग्जामिनर आपको बोले, जो भी क्वेश्चन पूछ के उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे नीचे वाला, तो सर ये पहले हो जाएगा या फिर इसको आप प्रारंभिक बोल सकते हो, बिल्कुल प्रारंभिक बोल सकते हो, आप इसको ओरिजिनल बोल सकते हो कि ओरिजिनल वैल्यू आपके पास सर ये है। ओके चलिए, सर मेरी 16 थी तो इसमें कमी हुई, कमी हुई कहने का मतलब ऊपर वाले को देखिए आप, ऊपर वाले को क्या देखोगे आप कि सर ऊपर क्या बैठा हुआ है, कौन सी संख्या बैठी हुई है। ऊपर वाली यदि वृद्धि बोलता है तो ऊपर वाली 8 हो जाएगी, आपके पास कमी बोलता है तो ऊपर वाली कम हो जाएगी। सर 16 थी, ऊपर वाली एक कम हो गई तो कितनी हो गई भाई 15। ओके तो ये क्या निकल कर आ गया सर 16 और 15। चलिए आगे थोड़ा सा एक दो और परसेंटेज देख लेते भाई। चलिए देखिए भाई एक तो और देख लेते थोड़ा सा, हमने आपके लिए ले लिया सर, आप ले लीजिए 57.14% की वृद्धि। क्या ले लीजिए भाई वृद्धि, यदि ये ऊपर लगता है तो वृद्धि लिख दीजिए भाई बिल्कुल कि सर ये वृद्धि होती है। तो सर हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सर 14.28 क्या होता है, सर 14.28 जो कि आप थोड़ी देर पहले कर चुके हो, 14.28% सर अपने आप में होता है 1/7। ओके तो इस 14 का कोई ना कोई मल्टीपल ये है सर, तो ये है सर 14 × 28, 14 × 42, 14 × 56, कहने का मतलब ये 4 गुना के आसपास है सर। तो इसको मैं क्या कर दूं सर 4/7, कहने का मतलब जो ये सर फ्रैक्शन इसके निकल कर आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4/7। सर ये मेरी पहले की मानता हूं कि सर ये पहले की आपके पास में वृद्धि हो रही, तो अब कितना हो जाएगा सर 11, कितना हो जाएगा 7 और 11, ये सर हमारा रेशियो निकल कर आ जाएगा। यदि आपके पास में वृद्धि बोला जाता है तो ऊपर वाली संख्या को एड कर दीजिए, यदि आपके पास में कमी कहा जाता है तो नीचे वाली संख्या को कम कर दीजिए, और नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को कम कर दीजिए। ओके ये होता है। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते, क्वेश्चन ले लेते, छोटा सा है ना क्वेश्चन, ये बोलता है, ये आता है क्वेश्चन आपके पास में, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते शानदार तरीके वाला है ना, शानदार तरीके, एक तरीके से रेशो मेथड होता है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देता है ना। चलिए देखो भाई क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते, बढ़िया अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी व्यक्ति की आय की आय में 15% की वृद्धि होती है, क्या होती है भाई वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद मैंने क्या लिखा है, किसी व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि होती है तथा वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी भाई, वृद्धि के बाद उसकी आय मैं आपको दे देता हूं सर 690, ये इस तरीके से दे दिया 6900 रुपए, 6900 रुपए हो जाती है। ओके वृद्धि से पहले उसकी आय बताइए, वृद्धि से पहले उसकी आय बताइए। चलिए देखिए भाई आपके पास दिया हुआ है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास है ना, कि किसी व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि होती है तथा वृद्धि के बाद उसकी आय, ये जो आपके पास है ना ये एक्चुअल वैल्यू है, क्या है भाई एक्चुअल वैल्यू है, कहने का मतलब सर प्रतिशत के माध्यम से हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक तरीके से हमारे पास में होगा रेशो, क्या होगा भाई रेशो। जैसे सर 15% क्या होगा, यदि मैं रेशो की बात करता हूँ या फिर मैं किसी भिन्न की बात करता हूँ तो कितना होता है 15%, तो 15 सर हमको यदि किसी भिन्न में बदलना है तो मैं 100 का भाग दे दूंगा या फिर 1/100 को गुणा कर दूंगा, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा सर 5 × 15 और ये हो जाएगा 5 × 10, कहने का मतलब सर जो 15% था वो निकल कर आ गया आपके पास में 3/20। सर यदि पहले की आय मेरी ये थी, क्या थी भाई पहले की आय मेरी, हमने कहा था ना नीचे वाली संख्या को आपको कभी भी पहले की मानना होगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। सर पहले की आय मेरी नीचे वाली है, आपके पास में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कितनी हो जाएगी भाई 3 की, जो कि कितनी हो जाएगी 23,
ओके। अब यह हो गई सर मेरी अब, मतलब कहने का मतलब वृद्धि के बाद जो कि अब कहलाएगी, है ना, यह हो गई अब। अब क्या बोल रहा है कि तब वृद्धि के बाद उसकी आय इतनी हो गई, सर रेशो में मेरी पहले इतनी है अब इतनी है, और रेशो क्या होता है कि सर इस रेशो को उसके बराबर करना पड़ता है जो दिया हुआ होता है। कैसे सर, आपके पास में वृद्धि के बाद ये है और वृद्धि के बाद एक्चुअल वैल्यू दे के रखी है कितनी, 6,900। तो मैंने सर इसको इसके बराबर कर दिया। एक की वैल्यू यदि मैं निकाल लेता हूँ, एक की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसमें मुझे 23 का भाग देना पड़ेगा, एक अपने आप आ जाएगा, एक अपने आप आ जाएगा तो कितनी बार जाएगा सर, तो ये जाएगा हमारे पास में 3 बार। 69 कितने बार चला गया भाई, 3 बार। यदि आप इसका 23 का 3 के साथ गुना करते हो तो सर 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 2 6 69 आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 00। कहने का मतलब आपके पास निकल कर आ गया सर 300। एक की वैल्यू निकल कर आ गया आपके पास में 300, आप गुना कर दोगे उसका 20 के साथ, क्योंकि आपको पहले की आय उसकी बतानी है, आप 20 के साथ उसका गुना कर दोगे, ये हो जाएगा सर 300 का। यदि आप गुना करते हो तो ये हो जाएगा सर 3 2 हो जाएगा 6 6000। सर आपकी पहले आय 6,000 थी जिसमें 15% की वृद्धि हुई जिससे आपकी आय 900 रुपए बढ़ गई। ऐसा नो, बिल्कुल सर। चलिए ऐसी ही क्लास हम आपको आगे भी देते रहेंगे, ओके। आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आगे की क्लास हम अगले दिन डिस्कस करेंगे आपके साथ, ओके। थैंक यू।